हम इस वक्त मदीने शरीफ में पहुंच चुके हैं और आपकी दुआ से हम चले थे वहाँ से कतर से दोपहर 1:30 बजे तकरीबन, और उसके बाद रियाज में पहुंचे थे 7:30 बजे। वहाँ से डायरेक्ट हमने खींची गाड़ी और अल्लाह के करम से हम मदीने शरीफ सुबह 6 बजे यहाँ इंटर हो गए। पहुंच चुके हैं मस्जिद नबवी और ये रहा सामने गुंबद खिजरा। अब्बू और चाचू ये जा रहे हैं, फैजान है मेरे राइट पे, तो अभी मगरिब होने। वालेकुम व्यूअर, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं हरम की पार्किंग में। तो दोस्त मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जिसके घर हम लोग रुके थे, वहाँ पे सोए थे हम लोग, अभी सुबह उठे फिर शावर लिया फिर यहाँ आ गए और अभी हम ये बुक में उतार दिया है। तो ये है देखें, यहाँ पे गाड़ी हमने पार्क की है 11 है और ये पार्किंग एरिया है सारा। तो चलिए हम आप लोगों को अभी चलते ऊपर हरम दिखा। हम आए हैं ऊपर, पहुँच गए हैं मस्जिद नबवी में, हरम में आते जोहर पड़ी है। देखें माशाल्लाह ये है नज़ारे हरम के, सुभान अल्लाह मज़ा आ रहा है। पूरा फैजान सामने रुका हुआ है, अब्बू यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अभी हाजिरी देंगे रोज़े रसूल पे, नमाज़ पढ़ी थी कुछ तेईस और की हाजिरी देंगे, फिर यहीं बैठेंगे असर मगरिब इशा पढ़ेंगे, खैर कुछ खाना खाते हैं चल के। अभी तो जिस दोस्त के पास रुके हुए थे वो भी कह रहा है नहीं आपने मेरी तरफ खाना खाना, फिर आए वापस। हमने बोला भाई रहने दो, हम वहीं पे कहीं रेस्टोरेंट में खाएंगे और हरम में बैठेंगे ही मस्जिद नबवी के सहन में, लेकिन वो कह रहे नहीं 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 आप मेरी तरफ आएँ, तो जाना पड़ेगा। बाकी आप लोग देखते रहिए, अभी तो बस हम इंटर हुए हैं, तो वन बाई वन मैं आप लोगों को सब कुछ ऐड करता रहता हूँ व्लॉग में। अभी जोहर नमाज ख़त्म हो गई है तो क्राउड आ रहा है जा रहा है काफ़ी, मीनार हैं, छतरियाँ देखें कैसी खुली हुई हैं, ज़बरदस्त ये माशाल्लाह सब देखें। ये धूप पे कहते हैं सेंसर हैं, ऑटोमेटिक ओपन होती हैं, अब मुझे नहीं पता कि बटन से ऑफ ऑन ऑफ होती हैं या वैसे सेंसर हैं सारा। ये देखें ये बहुत बड़ा सहन है माशाल्लाह, ये तो एक साइड पे हम हैं, चारों तरफ ये सहन और सारे इसके राउंड पे सब ये होटल नोल घेर रही है, सब होटल बन चुके हैं सारे के सारे। तो अभी बस इंटर हुए हैं, बने रही है अभी तो काफ़ी कुछ है व्लॉग में, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ रहा है हमें तो। ये ज़ाहिर है सबसे बड़ी खुशी की बात है कि रोज़े रसूलुल्लाह पे पहुँचे हैं, तो आप लोग भी अभी देखते रहिए और मैं दिखाता हूँ। फैजान बैठा है मस्जिद नबवी में, ये अब अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम इस वक्त मदीने शरीफ में पहुंच चुके हैं और आपकी दुआ से हम चले थे वहाँ से कतर से दोपहर 1:30 बजे तकरीबन, और उसके बाद रियाज में पहुंचे थे 7:30 बजे। वहाँ से डायरेक्ट हमने खींची गाड़ी और अल्लाह के करम से हम मदीने शरीफ सुबह 6 बजे यहाँ इंटर हो गए। एक हमारे दोस्त थे वहाँ पे ठहरे, हम ना सुबह उठे नहा धो के अभी मस्जिद नबवी में बैठे। ये है मेरे चाचू, मैं मिल गया मदीना बरकात। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। चलें सबको सलाम कह दें, एंजॉय। चलें बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हम सारे बैठे हुए गैदरिंग करते हुए यहाँ पे, तो बाकी आप लोग देखते रहिए अभी ज़ियारत करेंगे रोज़ा रसूल की, घूमेंगे आप लोगों को दिखा। तो मस्जिद नबवी से हम लोग निकल चुके हैं व्यूअर्स बैक टू माय फ्रेंड होम जहां हमने नाइट स्टे किया था, बिकॉज़ ही इज़ कॉलिंग अगेन एंड अगेन के नहीं वापस आएँ और लंच करें आके। तो अभी ये उसका घर है बिल्कुल लेफ्ट पे, तो चल के अभी लंच करते हैं इसके घर। हम किसके पास रुके थे और फिर किसने फोर्स किया क्या और खाना खाओ, हमेशा की तरह मेरा दोस्त है एक आबिद भाई, कैसे हैं, क्या कहना चाहेंगे सबको? क्या कहना चाहेंगे, बस हमें हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला सबको मदीने की ज़ियारत करे। बिल्कुल, तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं बताएं जरा इशारा करके इनको, कहाँ ये दिखाएं जरा इशारा करके सामने है ये। तो ये है गज़वाए उहद, यहीं हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे हम सलाम पढ़ने जा रहे हैं किनको? अमीर हमजा, अमीर हमजा यहाँ पे उनकी कब्र मुबारक, कब्र मुबारक है, चलो वहाँ पे चलते हैं। चाचू आ गए हैं नीचे, ये आबिद है और वो अब्बू जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, वो डायरेक्ट गाड़ी की तरफ ही जा रहे हैं। तो गाड़ी आगे पार्क हुई है वहाँ पे फैजान, तो लेट्स गो, निकलते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, या शेख दैनन रो जबले उहद अयवा ए हना फी अमीर हमजा शहदा लादम रोह ज़ियारा हना अयवा इंशाल्लाह दैन रो ज़ियारा बदन इंशाल्लाह शुफ
بکرا فین رو انشاءاللہ پہنچ چکے ہیں شہداؤد کی پہاڑی پہ اور یہ ہے مسجد احد جبل احد کے ساتھ یہ ہے مسجد احد جبل احد کے ساتھ یہ ہے مسجد احد بالکل تو جیسا کہ یہ ہے غزوہ احد کی مسجد جبل احد کے پاس اور یہ لیفٹ پہ ہم ابھی اوپر جا رہے ہیں غزوہ احد کی پہاڑی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں کیمرہ گھما رہا ہوں جہاں پہ صاحب اکرام یہ اوپر یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی کہ نیچے نہیں اترنا لیکن صحابہ اتر آئے تھے بعد میں تو جس کی وجہ سے شہادتیں ہوئی تو ابھی چل رہے ہیں اوپر ہم لوگ سلو سلو احد کی پہاڑی پہ یہ ابھی ہم پہنچ گئے ہیں جیسے میں دکھا رہا تھا آپ لوگوں کو غزوہ احد کی پہاڑی پہ یہاں پہ ہیں حضرت امیر حمزہ کی قبر مبارک وہاں پہ چل کے ہم لوگ پڑھتے ہیں فاتحہ اور یہ ہم بالکل پہنچے ہوئے اوپر یہ چچا بھی پہنچے ہوئے ہیں فیضان وہ رہا ادھر امی ہے فیملی ہے تو یہ سب لوگ ہیں تو یہ ہے بھائی جبل احد کی پہاڑی یہاں میں خود پہلی بار آیا ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ماشاء اللہ صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں اسی پہاڑی پہ کھڑے ہوئے تھے چلے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بھی ہمیں نصیب کی ہے سامنے یہ دیکھیں یہاں سے یہ ہے احد مسجد اور یہ ظاہری غزوہ احد کی پہاڑی سارے جیسا کہ میں سب دکھا چکا ہوں غزوہ احد کی پہاڑی جیسا کہ میں بتا چکا ہوں اور یہ ہے حضرت امیر حمزہ کی قبر مبارک یہاں پہ فاتحہ پڑھ لیا میں نے اور یہ ہیں جبل احد پیچھے ہی سارے تو یہ ہے سارا ہم یہاں پہ ہو چکے ہیں ابھی دا ٹائم از اباؤٹ 4:50 PM ایوننگ ابھی جائیں گے مسجد نبوی اسیر پڑھیں گے اور آگے چلتے ہیں وہاں پہ چل کے ابو کو جوائن کرتے ہیں اور یہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں جبل احد مسجد تو جیسا کہ میں دکھا ہی چکا ہوں آپ لوگوں کو سب سو چلتے ہیں ابھی نکلتے ہیں ابو وہاں بیٹھے ہوئے تھوڑا چلنے میں ہیوی ہیلدی ہے تھوڑا دقت ہوتی ہے تو جتنا ہو سکتا ہے وہ چلتے رہتے ہیں صاحب تو نکلتے ہیں ابھی یہاں سے ہم ابو شہدا کی پہاڑی کے سامنے فیضان کے ساتھ تو ابھی چلتے ہیں نکلتے ہیں یہاں سے گاڑی لے کے ہم لوگ چلیے چلتے ہیں تو ہم لوگ نکل آئے ہیں غزوہ احد کی پہاڑی سے ابھی چل رہے ہیں ہم لوگ مسجد نبوی وہاں چل کے ہم لوگ مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کیسے خوبصورت سے پہاڑ ہیں اور ادھر سے ہے مدینہ منورہ میں سن سیٹ ہوتا ہوا تو چلیے چلتے ہیں پہنچ چکے ہیں مسجد نبوی اور یہ رہا سامنے گنبد خضرا ابو اور چاچو یہ جا رہے ہیں فیضان ہے میرے رائٹ پہ تو ابھی مغرب ہونے والی ہے اذان ہوگی تو میں اذان سناتا ہوں اور نماز پڑھیں گے مغرب کی ابھی مغرب کی نماز ادا کر کے ہم لوگ باہر آئے ہیں گنبد خضرا چل رہے ہیں روضہ رسول کی زیارت کرنے تو یہ دیکھیں انہوں نے یہ زگ زیگ لائنیں بنائی ہوئی ہیں تو ہم لوگ چل رہے ہیں گھوم کے اندر زیارت کرنے اور ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ چاچو بتا رہے ہیں کہ وہ ایک دروازہ ہے وہ جہاں سے وہ گاڑی لے کے جاتی ہے جنازہ پڑھنے کے بعد میت کو جنت البقیع کی طرف تو وہ بتا رہے ہیں یہاں پہ ہاں یہ رہا سامنے تو یہ اشارہ کر رہے ہیں ابو ادھر سے آگے واک کرتے ہوئے تو چلیے چلتے ہیں روضہ رسول کی زیارت کرتے ہیں اندر گنبد خضرا الحمدللہ بار بار آنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے جا رہے ہیں بھائی ریکویسٹ کی ہے ان سے کہ بھائی ان کو جانے دیں اس طرف سے اکیلے تو خیر جانے دیا ان کو یہ روضہ رسول جہاں پہ دیں گے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے سبحان اللہ Allah 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 Allah
इशा की नमाज़ पढ़ ली है, अभी हम बैठे हुए मस्जिद नबवी के अंदर थोड़ा रिलैक्स होते हुए, ये अबू बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम साहिबान, हम इस वक्त हरम शरीफ मदीना मुनव्वरा में बैठे हैं, मगरिब और इशा पढ़ ली है और यहाँ पे जो है बच्चों फैमिली का इंतज़ार है, फैमिली ज़ियारत करने के लिए उनको साथ लेके घर जाएंगे। वेरी गुड, कल का प्रोग्राम कल को बताएंगे, कल बताएंगे। ये बैठा है, हाँ जी फैजान से ज़ियारत कर ली है रोज़ा रसूल अल्लाह की और बस इंशाल्लाह थके हुए बहुत, टायरिंग है, रात में ड्राइव करके भाई साहब तो सो गए तो मुझे ड्राइव करनी पड़ी। मैंने भी की है यार, बराबर की है हमने, बराबर बहुत कम की है भाई, 800 किलोमीटर यार, इतनी मेहनत करते हैं। मेरी तरफ से सब भाई को सलाम हो गया। चलें और ये देखें, ये अब जमजम लगा हुआ मस्जिद नबवी के अंदर, ये देखें इसमें नॉट कोल्ड, ये गर्म है, ये ठंडा है, फिर गर्म है, जिस तरह आपको पीना। और ये मेरे दोस्त का बेटा है, अभी मेरे दोस्त का फहद, क्या नाम है आपका यार? ये दांत दिखाओ जरा, दांत सबको दिखाओ, ऐसे क्या हुआ है दांतों को, क्या हुआ है दांतों को, पता नहीं है। चलो जी, इसको पता नहीं है, ट्रैकोल वाले दांत हैं इसके, नोकीले हैं ना। चलो जी, अभी बस बैठे हैं सहन में मस्जिद नबवी के, ये यादें ऐसी हैं, आप जब आए दिल नहीं भरता आपका, ऐसे लगता है ख्वाब है जब भी आप आए। तो ठीक है, अभी बस अम्मी गई हुई, वो भी ज़्यारत करने, भी लेडीज़ का टाइम इशा के बाद होता है, फिर देखते हैं, खाते हैं, फिर सोते हैं, फिर टुमारो नेक्स्ट प्लान। सो आई कीप यू अपडेटेड, कीप वॉचिंग। आ गए हैं इशा की नमाज पढ़ के बाहर, ये देखें, ये जो जितनी अम्ब्रेला ओपन होती हैं ये सब अभी बंद हो गई हैं, खुली हुई थी धूप की रोशनी जैसे ही पड़ती है बंद हो गई हैं अभी। और यहाँ से लेडीज़ आ रही हैं, अभी लेडीज़ का टाइम है ज़्यारत का, तो ये हम साइड से ठहरे हुए हैं। और जो मैन है मर्द हजरात हैं जैसे हम गए थे वो उस तरफ हैं, ये जो वाइट दीवार उन्होंने बनाई उस तरफ से हम घुसते हैं, इस डोर से उधर से निकलते हैं, तो खैर लंबा चक्कर है बहुत। ये सारा सहन है जो भरा पड़ा, आप लोग देख सकते हैं। बस अभी घर जाने का टाइम है और सोने का टाइम है, फिर बाकी कल नमाज़ पढ़ते हैं, फिर दिन में आते हैं, फिर दिन में आपके दिखाते हैं आपको मस्जिद नबवी। आज दिन है मंगल का, तो हम निकलने लगे हैं, आबिद भाई से बाय बाय कह रहे हैं, आबिद भी से मिलते हैं, अब्बू का छोटा सा लेक्चर सुनते हैं, मट्टी है कि हाथ नहीं रखिए। खैर जी, तो क्या कहेंगे, छोटा सा शॉर्ट। ये कह रहा हूँ कि हम आए थे यहाँ मदीना पाक में, बाकी तो पिछला साहब का बताया था, मदीने शरीफ में इंटर हुए थे परसों सुबह, यहाँ रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद उसके बाद जनाब हम ज़ियारत को गए, नमाज़ें पढ़ी, तो नमाज़ें पढ़ने के बाद जनाब यहाँ पे एक ताल्लुकदार है मोहम्मद आबिद, राजी आबिद है, ये आबिद खड़े थे, ये खड़े हुए। हाँ भाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी खिदमत का। ये इनका बेटा है अली और वो छोटा बेटा, हेलो करो, हाथ दिलाओ, फहद, हाँ ये फहद है। चले बहुत बहुत शुक्रिया, तो अभी हम जाने लगे हैं, ठीक है, ओके भाई, चले चलते हैं, फिर आप निकलते हैं यहाँ से, आगे कुबा चलते हैं, वहाँ से फिर आगे उमरे का सफर शुरू करते हैं। चले आबिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं फिर, ओके आबिद भाई, मिल रहे भाई अबू से भी। चल माशाल्लाह से हम पहुँच चुके हैं मस्जिद कुबा, ये आप देख सकते हैं मीनार सामने, जोहर की अज़ान हुई नहीं है, जोहर हम लोग यहीं पढ़ेंगे। तो ये फैजान है, अस्सलाम वालेकुम, और अबू पीछे आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं मस्जिद कुबा, जोहर पढ़ते हैं, फिर इसके बाद आगे उमरा के लिए तैयारी करते हैं। मस्जिद कुबा के मनाजिर भाई, चार मीनार, यहाँ पे कबूतर है, लोग दाना डाल रहे हैं सारा, हम भी डालेंगे नमाज पढ़ के, हम लोगों ने गाड़ी पार्क जैसा कर दी ऑलरेडी वहाँ पे, तो चलते हैं। अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।
ज़ुहर हमने पढ़ ली है मस्जिद कुबा में, अभी रश है, आवाम जा रही है ज़ुहर पढ़ के, अभी चल रहे हैं अभी ज़मज़म पीने। ये पूरी लाइन अभी ज़मज़म की है, तो यहाँ पे ज़मज़म पीते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से टू मिकात मदीना, वहाँ से फिर इंशाल्लाह आराम पहन के फिर निकलते हैं आगे। तो बस ये है, अभी रश है ज़ाहिर है, तो आज ज़मज़म शरब ये अबू पी रहे हैं, ये रहे फैज़ान भी यहीं कहीं होगा या बाहर मिलेगा। हमने एक पॉइंट तय कर लिया था कि यहाँ मिलेंगे नमाज के बाद, या वो बाहर होगा यहीं कहीं होगा। तो अम्मी उधर लेडीज़ तरफ पे हैं, तो चलते हैं यहाँ से बस फिर, ताकि मक्का भी जाना है, 4-5-6 घंटे का रास्ता है, वो भी अराउंड कोई 400+ किलोमीटर है, तो की पहुँचेंगे आप लोग देखते रहिए। तो चल रहे हैं मिकात की तरफ, मदीना में मिकात है, तो यहाँ से चल के हम गुसल करेंगे और अहराम पहनेंगे और फिर हम लोग उमरा की तैयारी करेंगे, फिर मक्के की तरफ सफ़र हमारा शुरू हो जाएगा। तो ये जो व्लॉग है ये हम यहीं ख़त्म करते हैं, मैं आप लोगों को मिलता हूँ अगले व्लॉग में, नए व्लॉग में, तो उमरे का सफ़र दिखाते हुए। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट